वेलकम टू योर एकेडमी मुनिलाल सर। क्लास 8 के सभी स्टूडेंट्स का मैं अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, क्लास 8 के बच्चों का बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आ रहा था कि सर हमारे क्लास की पढ़ाई नहीं हो रही है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आज आपका सब्जेक्ट इंग्लिश बुक है डैफोडिल्स, और उस बुक का जो वेरी फर्स्ट चैप्टर है द नाइव फ्रेंड्स, इसे पढ़ाने जा रहा हूं। और आज के बाद जो है लगातार माय डियर स्टूडेंट्स आपको इंग्लिश का वीडियो मिलता रहेगा, और बहुत जल्द ही मैं मैथ का भी वीडियो अपलोड करूंगा आप लोगों के लिए। आप सभी स्टूडेंट्स से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अवश्य मैसेज करके बताएं ये जो अपलोडेड वीडियो है ये बेनिफिशियल है ज्यादा या ऑनलाइन क्लास आप प्रेफर करते हैं। आप लोगों का जैसा डिमांड होगा वैसा ही मैं करूंगा। आज क्योंकि फर्स्ट वीडियो है डियर स्टूडेंट्स, तो मैं इसे आप लोगों के लिए अपलोड करूंगा। तो चलिए मैं शुरू कर रहा हूं द नाइव फ्रेंड्स। डियर स्टूडेंट्स, द नाइव फ्रेंड्स, नाइव का मतलब बिल्कुल इनोसेंट, भोला भाला, अनाड़ी, ठीक है, जो भी आप किसी तरह के पर्यायवाची शब्द यूज कर लीजिए अपने लिए, अनुभवहीन भी आप कह सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, मूल रूप से जो यह स्टोरी है हिंदी में लिखी गई थी पहले हमारे उपन्यास सम्राट जो प्रेमचंद हैं, उन्होंने इसे हिंदी में लिखा था, ठीक है, और उसी को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है। और हिंदी में इसी कहानी का जो टाइटल है वह है नादान दोस्त, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग इसी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर, आज का एक्सप्लेनेशन। A bird had laid eggs just above the cornice in Keshav's house. ध्यान देना स्टूडेंट्स, एक चिड़िया ने अंडे दिया था, कहाँ दिया था, एभव द कॉर्निस, एकदम ठीक कॉर्निस के ऊपर, ठीक है, इन केशव्स हाउस, केशव के घर में। आप फिगर देख पा रहे हो, बिल्कुल साफ है, यही कॉर्निस है, यानी खिड़की वगैरह के ऊपर भी हम लोग देते हैं, छज्जा भी कहते हैं इसको, तो छज्जे के ऊपर यहाँ पर देखिए एग्स रखे हुए हैं, दो बर्ड्स, तो केशव के कॉर्निस पर, यही कॉर्निस कहलाता है डियर स्टूडेंट, ये कॉर्निस हुआ, ये पूरा प्लेट जैसा भी, ठीक है। तो कॉर्निस के ऊपर में देखिए बर्ड्स ने अंडे दिए हैं, तो यही कह रहा है कि ये बर्ड हैड लेड्स, अंडे दिए थे एक बर्ड ने, एक चिड़िया। बोथ केशव एंड हिज सिस्टर श्यामा वुड वॉच द बर्ड्स इंटेंटली एज दे फ्लू बैक एंड फोर्थ। अब कहते हैं दोनों ही, केशव और उसकी बहन श्यामा ने, श्यामा देखा करते थे, वॉच द बर्ड्स इंटेंटली मतलब बहुत ही उत्सुकता से, ठीक है, एज दे फ्लू बैक एंड फोर्थ, जब यह जो चिड़िया है ये मतलब कि ये दो है, जब ये बर्ड्स
उड़ते थे फिर वापस आ जाते थे, ठीक है, बैक एंड को उड़ जाते थे फिर आ जाते थे। तो इन्हें दोनों भाई बहन बहुत गौर से देखा करते थे। सॉरी, फर्स्ट थिंग एवरी मॉर्निंग द टू वुड कम एंड स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द कॉर्पस। कहता है सबसे पहला काम प्रत्येक मॉर्निंग, प्रत्येक सुबह को द टू, यानी द टू कौन है भाई, वे दोनों यानी केशव और श्यामा, वुड कम एंड स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द कॉर्निस, दोनों आते और कॉर्निस के सामने खड़े हो जाते। रबिंग देयर आईज, कहता है अपनी आंखों को मलते हुए, बेयरली अवेयर, यानी कहता है शायद अभी वे ठीक से जगे हुए भी नहीं थे अभी, ठीक है, यानी आंखें मलते मलते वे लोग आ जाते थे सुबह सुबह। कहां पर आ जाते थे जी, बाहर आते थे कॉर्निस के पास, ठीक है, कॉर्निस के पास आकर के खड़े हो जाते। द प्लेजर दे ड्रू फ्रॉम सीइंग द टू बर्ड्स वाज सो ग्रेट दैट दे इवन फॉरगॉट अबाउट द जॉयज ऑफ मिल्क एंड जलेबी। अब राइटर बता रहे हैं जो प्लेजर दे ड्रू फ्रॉम, यानी प्लेजर कहते हैं आनंद को, ठीक है, जो आनंद उन लोगों ने पाया फ्रॉम सीइंग द टू बर्ड्स, ऐसे ड्रॉ मीन्स खींचना होता है, तो यहाँ प्लेजर है, यहाँ प्राप्त करना ज्यादा सुटेबल होगा, ठीक है ना, जो मजा जो आनंद उनको मिला क्या काम करने में भाई, सीइंग द टू बर्ड्स, दोनों पक्षी को, दोनों चिड़ियों को देखने में जो आनंद उन लोगों को मिलता था, कहता है वह कितना बड़ा था आनंद, वह सो ग्रेट, वह सुख, वह आनंद, वह प्लेजर इतना बड़ा था दैट दे इवन फॉरगॉट, इतना बड़ा था वह आनंद कि वे इवन फॉरगॉट अबाउट द जॉयज ऑफ मिल्क एंड जलेबी, वे भूल जाया करते थे जॉयज ऑफ मिल्क एंड जलेबी को, यानी मिल्क और जलेबी से जो मिलने वाला मजा है, आनंद है, खुशी है, उसे भी वे भूल जाते थे। ठीक, आप सोच सकते हो कितना आनंद आ रहा था उन बर्ड्स को देखने में दोनों भाई बहन। न्यूमरस क्वेश्चंस रोज इन देयर माइंड्स, कहता है अनेक सवाल उन लोगों के दिमाग में उत्पन्न हो रहे थे, पैदा हो रहा था। राइज, रोज उठना, यहां पर राइज मीन्स उसी का पास्ट टेंस है, यानी उन दोनों बच्चों के मन में, केशव और श्यामा के मन में न्यूमरस क्वेश्चन, अनेक सवाल उत्पन्न हो रहे थे। हाउ बिग वेयर द एग्स, कुछ सवाल यहां पर हैं, जैसे अंडे कितने बड़े हैं, व्हाट कलर वेयर दे, वे किस रंग के थे, ठीक है, हाउ मेनी, कितने थे, व्हाट डिड दे ईट, वे क्या खाते थे, हाउ वुड द चिक्स कम आउट ऑफ देम, चिक्स यानी चूजे, यंग वंस ऑफ द बर्ड्स, ये कैसे बाहर आएंगे, अंडों से चूजे कैसे निकलेंगे, व्हाट इज द नेस्ट लाइक, अब नेस्ट कैसा है, बट देयर वॉज नो बडी अराउंड टू आंसर देयर क्वेश्चंस, लेकिन आसपास कहता कोई नहीं था जो उनके इन सारे प्रश्नों का जवाब देता। माँ हैड नो टाइम फ्रॉम द हाउस वर्क एंड बाबूजी फ्रॉम हिज बुक्स, कहता है माँ को तो समय ही नहीं मिलता था फ्रॉम द हाउस वर्क, घर के काम काज से, एंड बाबूजी यानी फादर पापा फ्रॉम हिज बुक्स,
पापा को अपनी किताबों से ही फुर्सत नहीं थी, किताबें पढ़ते रहते थे। द टू चिल्ड्रन हैड टू कम्फर्ट देमसेल्व्स बाय आस्किंग एंड आंसरिंग ईच अदर। तो दोनों बच्चों को जो है संतोष करना पड़ता था, हैड टू कम्फर्ट देमसेल्व्स, अपने आप को संतुष्ट करना पड़ता था बाय आस्किंग एंड आंसरिंग ईच अदर। कैसे कैसे दोनों भाई अपने आप को, दोनों भाई बहन संतुष्ट करते थे? तो ईच अदर, एक दूसरे से प्रश्न उत्तर करके, यानी पूछते फिर उत्तर देते, कोई प्रश्न करता कोई उत्तर देता, ठीक है। अब देखिए यहां पर श्यामा प्रश्न कर रही है, टेल मी भैया, भैया यानी बड़े भाई को हम लोग हिंदी में भैया कहते हैं, डियर स्टूडेंट्स, एल्डर ब्रदर। टेल मी भैया, विल द चिक्स फ्लाई अवे एज सून एज दे कम आउट ऑफ द एग्स। भैया मुझे बताओ ना कि जैसे ही ये चिक्स बाहर आएंगे अंडे से, तो क्या बाहर आते ही ये उड़ने लगेंगे? तो जवाब देखते, नो सिल्ली, ये सब वुड रिप्लाई प्राउड एज ए स्कॉलर। तो ये सब इस तरह घमंड से, प्राउड, इतना घमंड उसको था मानो वह विद्वान हो, ये सब, और कहता रिप्लाई करता, नो सिल्ली, नहीं रे बेवकूफ, सिल्ली मूर्ख, फर्स्ट दे हैव टू ग्रो विंग्स। देखो कहा ये बच्चे कैसे उड़ेंगे, चिक्स कैसे उड़ेंगे, तो पहले तो उनके पंख बड़े होंगे, ठीक है। हाउ वुड द पुअर थिंग्स फ्लाई विदाउट विंग्स, कहा बेचारे ये चिक्स, पुअर थिंग्स उन्हीं को बोला, यानी ये जो बेचारे बच्चे हैं बिना पंखों के कैसे उड़ेंगे। श्यामा, व्हाट वुड द पुअर बर्ड फीड हर लिटिल वंस। अगला प्रश्न है श्यामा का कि बेचारी चिड़िया अपने छोटे बच्चों को, लिटिल वंस यानी अपने चूजों को क्या खिलाएगी, क्या खाना खिलाती होगी। दिस वॉज अ ट्रिकी क्वेश्चन इवन फॉर केशव टू आंसर। अब कहता है यह उलझा हुआ एक सवाल था केशव के लिए, यानी इस सवाल का जवाब देना, इसका आंसर देना केशव के लिए ही ट्रिकी था, उलझा हुआ। अ कपल ऑफ डेज वेंट बाय एंड द चिल्ड्रंस क्यूरियोसिटी इंक्रीज्ड। कहता है दो चार दिन बीत गए, ठीक है, और उन बच्चों की जो उत्सुकता है, क्यूरियोसिटी, किसी चीज को जानने की इच्छा, जिज्ञासा, इंक्रीज हो गई, बढ़ गई। They were eager to see the eggs. वे अंडों को देखने के लिए आतुर थे, eager, ठीक है, आतुर, व्याकुल, उत्सुक, जो कहे। They were certain that they had hatched by then. अब उन लोगों को ये निश्चित रूप से विश्वास हो गया था कि दे हैड हैच्ड बाय दे। अब तक तो ये जो है हैच हो चुके होंगे, हैच मतलब अंडों में से बाहर आना, यानी अब तो अंडे फट भी गए होंगे, चूजे उनसे बाहर निकल आए होंगे। द क्वेश्चन ऑफ व्हाट द चिक्स वुड ईट नाउ वेग हैवीली ऑन देयर माइंड्स। अब कहता है यह सवाल कि व्हाट द चिक्स वुड ये चिक्स क्या खाएंगे। नाउ वे, अब जो है भारी पड़ रहा था, ठीक है, हैवीली मतलब, हैवीली मतलब हैवी मीन्स भारी होता है ना, तो बहुत बोझ बनता जा रहा था ऑन देयर माइंड्स, उनके दिमाग, दोनों के मन में, दोनों के दिमाग में यह प्रश्न जो है बोझ बनता जा रहा था कि चिक्स क्या खाएंगे। वेयर वुड द पुअर बर्ड फाइंड एनफ ग्रेन टू फीड द ब्रूड। अब कहता है
ये बेचारी चिड़िया अपने ब्रूड को, ब्रूड में सही चिक्स, चिक्स को खिलाने के लिए पर्याप्त मात्रा में ग्रेन यानी दाने उनको कहां से मिलेगा। द चिक्स वेयर श्योर टू स्टार्व टू डेथ, निश्चित रूप से चिक्स भूखों मर जाएंगे, भूख से मर जाएंगे, स्टार्व मतलब भूखे मरना, ठीक है, भूख के कारण सारे चिक्स मर जाएंगे, ऐसा जो है उन लोगों का विचार था, ऐसी सोच थी उन बच्चों। दिस थॉट लेफ्ट द सिबलिंग्स वेरी एंग्जियस, कहता है यह थॉट इस विचार को लेकर, इस विचार के चलते जो है उस सिबलिंग, सिबलिंग्स मीन्स होता है सहोदर, अपना भाई बहन, या भाई भाई भी हो सकता है, सहोदर आप समझ लो, एक माँ की जो संतान है उसको सिबलिंग्स कहा जाता है, डियर फ्रेंड्स। तो कहता है उन दोनों बच्चों के मन में उनकी यही सोच थी, क्या, वेरी एंग्जियस वी थॉट, यही सोच, क्या सोच, कि ये बच्चे खाएंगे कहां, क्या खाएंगे। तो इसी सोच को लेकर दोनों बच्चे बहुत ही एंग्जियस, दोनों भाई बहन बहुत उत्सुक थे, चिंतित आपको हो गए, ठीक है, वरीड। दे डिसाइडेड टू स्कैटर सम ग्रेन्स ऑन द कॉर्नर्स ऑफ द बर्ड टू पिक, अब देखो उन्होंने निश्चय कर लिया, तो स्कैटर सम ग्रेन्स, क्या निश्चय किया कि कुछ ग्रेन जो है छींट दिए जाए, स्कैटर बिखेर दिए जाए, कुछ दानों को बिखेरना, बिखेरने के लिए उन्होंने निश्चय किया, कहां पर, ऑन द कॉर्नर्स, सज्जे के ऊपर, फॉर द बर्ड टू पिक, ताकि बर्ड जो है उन्हें चुग सके, ठीक है, ठीक मतलब चुगना या चुनना, ठीक। श्यामा सेड हैप्पीली, श्यामा खुशी से बोली, ओ देन द बर्ड वॉन्ट हैव टू फ्लाई एनीवेयर इन सर्च ऑफ फूड, विल सी, कहा तब तो बर्ड को कहीं उड़ करके जाना नहीं पड़ेगा, इसलिए इन सर्च ऑफ फूड, भोजन की तलाश, ठीक है, विल सी ये क्वेश्चन टैग इसको कहते हैं, अर्थात यहां पर यह कह रही है श्यामा कि यदि आप दाना बिखेर दोगे या तब तो इस चिड़िया को भोजन की तलाश में कहीं जाना नहीं पड़ेगा ना। ओ नो सेड केशव, तो केशव ने बोला नहीं, वाई वुड सी, वह क्यों जाएगी, यदि चिड़िया को यही खाना मिल जाएगा, भोजन मिलेगा, तो वह क्यों जाएगी। बट वॉन्ट द चिक्स बी रियली हॉट अप देयर, अब श्यामा का अगला प्रश्न कि क्या चिक्स को वहां खूब गर्मी नहीं लगेगी। अ न्यू वरी क्रॉस श्यामा माइंड, अब एक नई चिंता पैदा हो गई श्यामा के दिमाग में, ठीक है। और उसके बाद देखिए अब नेक्स्ट पैराग्राफ, केशव हैड नॉट थॉट ऑफ दिस प्रॉब्लम अंटिल देन, कहता है केशव ने तो अब तक उस समस्या के बारे में कुछ सोचा ही नहीं था। कौन सी समस्या है भाई, कि गर्मी जो लगेगी चिक्स को वहां पर। यस इसे, वह बोला हाँ गर्मी तो लगेगी, दे आर प्रोबेबली डाइंग ऑफ थर्स्ट अप देयर, कहा संभवतः वे थर्स्ट यानी प्यास, प्यास से वे मर जाएंगे, देयर इज नो शेड अबव द डैम इवन, और कहा उनके ऊपर, अबव डैम यानी उनके ऊपर यानी उस उन चिक्स के ऊपर, कहा कोई शेड नहीं है यानी कोई छप्पर नहीं है, छावनी नहीं है। तब इट वॉज फाइनली डिसाइडेड दैट ए मैक्सिक रूफ वुड बी इरेक्टेड अबव द नेस्ट, तब जो है अंत में यह फैसला लिया गया दोनों ने मिलकर, एक मैक्सिक रूफ, एक काम चलाऊ जो है छप्पर
बना दिया जाएगा, खड़ा कर दिया जाएगा। इरेक्ट मतलब खड़ा करना, एवाव गन नेस्ट के ऊपर, घोंसले के ऊपर एक मैक्सिक, एक काम चलाऊ जो है रूप खड़ा कर दिया जाएगा। द प्रपोजल फॉर अ बाउल ऑफ वाटर एंड सम ग्रेन्स ऑफ राइस वॉज ऑल्सो अप्रूव। और कहता है प्रपोजल यानी प्रस्ताव, इस बात का प्रपोजल है, देखो एक बाउल ऑफ वाटर पानी की एक कटोरी चाहिए, सम ग्रेन्स ऑफ राइस चावल के कुछ दाने ही चाहिए, तो ये प्रस्ताव जो है अप्रूव्ड हो गया, मान लिया गया, इसकी मंजूरी मिल गई। बोथ चिल्ड्रन बिगेन टू वर्क अर्नेस्टली, दोनों चिल्ड्रन बड़े उत्सुकता से काम शुरू कर गए, यानी काम को शुरू कर दिया। श्यामा क्वाइटली ब्रॉट सम राइस फ्रॉम द क्ले पॉट, श्यामा ने चुपके से क्ले पॉट से, मिट्टी के बर्तन से, घड़े से, ठीक है, कुछ जो है चावल के दाने ले आई, ठीक है। और केशव सीक्रेटली एम्प्टाइड द स्टोन बाउल ऑफ इट्स ऑयल, और केशव ने क्या किया, चुपके से जो स्टोन बाउल था, पत्थर की एक कटोरी थी, ठीक है, उसमें तेल रखा हुआ था, तो तेल जो है खाली कर दिया, स्क्रब्ड इट क्लीन, और खुरच खुरच के, स्क्रब मतलब खुरचना, रगड़ रगड़ करके इसको साफ किया, एंड रिफिल्ड इट विथ वाटर, और पुनः इसको पानी से भर दिया। बट वेयर टू गेट द क्लॉथ फॉर द शेल्टर, अब सवाल यह उठा कि शेल्टर बनाने के लिए यानी छाव बनाने के लिए, छावनी बनाने के लिए, कहता है कपड़े कहां से आएंगे, एंड हाउ टू मेक द रूफ स्टे अप विदाउट सपोर्ट, और कहा जो रूफ बनाएंगे, छप्पर बनाएंगे, तो बिना सपोर्ट का वह खड़ा कैसे रहेगा, बिना सहारे का, सपोर्ट मीन सहारा। केशव पजल्ड ओवर द प्रॉब्लम फॉर ए वाइल बिफोर इट वॉज फाइनली रिजॉल्व, केशव ने कहता है कुछ देर तक इस समस्या पर सोचा, ठीक है, थोड़ी देर तक, और कहता बिफोर इट वॉज फाइनली रिजॉल्व, जब तक यह पूरी तरह से अंततः फाइनली रिजॉल्व नहीं हो गया, यानी इस समस्या का समाधान नहीं हो गया। गो एंड ब्रिंग द गार्बेज बास्केट, तो श्यामा को आदेश दिया कि जाकर के गार्बेज बास्केट ले आओ, यानी कचरा फेंकने वाला बास्केट, टोकरी, मेक श्योर मा डजंट सी यू, कहा देखो इतना निश्चित कर लो, यानी पहले से देख सुन लो कि माँ को पता ना चल सके, माँ डजंट सी यू, कहीं माँ तुम्हें देख ना ले। बट इट्स गॉट अ होल इन द मिडिल, तो श्यामा कहती है लेकिन भैया इसके बीच में तो छेद है, विल इट कीप द सन आउट, क्या इससे धूप जो है बाहर रहेगी, यानी धूप से क्या बचा पाएगी यह बास्केट। फर्स्ट ब्रिंग द बास्केट के सबसेड विथ स्लाइट इरिटेशन, ठीक है, ये सब ने कुछ चीरते हुए, इरिटेशन चीर उसको कहते, कुछ चीरते हुए कहा कि पहले टोकरी तो लेके आ, आई विल टेक केयर ऑफ द होल, कहा मैं ध्यान रखूंगा उस होल का, उस छिद्र का। श्यामा वेंट रनिंग एंड रिटर्न विथ द बास्केट, श्यामा वेंट रनिंग यानी दौड़ करके श्यामा गई और उस बास्केट को लेकर वापस आई, रिटर्न आई। केशव स्टफ्ड द होल विथ सम पेपर, अब केशव ने होल में जो छिद्र था बास्केट में ना, उसमें कहता है उसमें ठूस दिया कुछ पेपर, कागज ठूस दिया, एंड रेस्टेड द बास्केट अगेंस्ट द ब्रांच ऑफ ए नियर बाय ट्री, अब बगल के पेड़ की डाली से जो है टिका दिया इस बास्केट को। सी हाउ द शैडो ऑफ द बास्केट फॉल्स ऑन द नेक, देखो किस तरह से इस शैडो यानी छाया जो है इस टोकरी की पड़ रही है घोंसले पर, द सन कांट गेट थ्रू नाउ, कहा
अब धूप अंदर नहीं जा सकता। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग यही स्टॉप करेंगे और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो है मैं कल लेकर के आऊंगा आप लोगों के लिए। आप इस वीडियो को ध्यान से देखें, एक एक वर्ड को मैंने एक्सप्लेन किया है। जहां पर भी दिक्कत हो आप कमेंट करना, मैं उसे सॉल्व करूंगा। आज इतना ही। चैनल को आप बच्चे सभी क्लास 8 के जितने भी स्टूडेंट्स हो अवश्य ही सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। हाँ, एक काम करना होगा, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जो आएगा, घंटी का बटन, उसे अवश्य दबा देना ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम पर मिले और आप समय पर वीडियो देख सकें। और साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को जो आपके क्लास के हैं उन्हें आप शेयर भी करो। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।